साथियों, एनडीए को करीब करीब 3 दशक हो चुके हैं, यानी आजादी के 75 साल में 3 दशक एनडीए, ये सामान्य घटना नहीं है जी। विविधता से भरे हुए अपनी लोकतांत्रिक और सामाजिक रचना के बीच में ये 3 दशक की यात्रा एक बहुत बड़ी मजबूती का संदेश देती है। और मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि कसी एक समय वो था कि संगठन के कार्यकर्ता के रूप में इस अलायंस का हिस्सा था, व्यवस्थाओं से जुड़ा रहता था, और आज सदन में बैठ करके आपके साथ काम करते करते मेरा भी नाता इसे 30 साल का रहा है। और मैं कह सकता हूं, हकीकतों के तथ्यों के आधार पर कह सकता हूं, ये सबसे सफल अलायंस है। हम गर्व से कह सकते हैं कि 5 साल का टर्म होता है, इस अलायंस ने 30 साल में से 5-5 साल के 3 टर्म सफलतापूर्वक पार किए हैं और अलायंस 4th टर्म में एंटर कर रहा है। साथियों, इस बात को जो राजनीति के विशेषज्ञ हैं, अगर मुक्त मन से, मुक्त मन शब्द बहुत महत्व का है, वे सोचेंगे तो पाएंगे कि एनडीए ये सत्ता प्राप्त करने का या सरकार चलाने का कुछ दलों का जमावड़ा नहीं है। ये राष्ट्र प्रथम की मूल भावना से, नेशन फर्स्ट के प्रति कमिटेड, वैसा ये समूह है। और 30 साल का लंबा कालखंड, शुरू में शायद असेंबल हुआ होगा, लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि भारत के राजनीतिक व्यवस्था में एक ऑर्गेनिक अलायंस है। और ये मूल्य श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, श्री प्रकाश सिंह जी बादल, श्री बाला साहब ठाकरे, श्री जॉर्ज फर्नांडिस, श्री शरद यादव, अनगिनत नाम में कह सकता हूं, इन लोगों ने जिस बीज को बोया था, वो आज भारत की जनता ने विश्वास का सिंचन कर करके उस बीज को वटवृक्ष बना दिया है। और हम सबके पास ऐसे महान नेताओं की विरासत है और हमें इसका गर्व है। बीते 10 वर्षों में हमने एनडीए की उसी विरासत, उसी मूल्यों को लेकर के निरंतर आगे बढ़ने का और देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। जैसे मैंने कहा, मुक्त मन से राजनीति के विश्लेषक अगर विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि एनडीए का जो लोग दिखते हैं ना, उसमें एक कॉमन चीज नजर आती है और वो है गुड गवर्नेंस। इन सब ने अपने अपने समय में, अपने अपने कार्यकाल में, जब जब जहां सेवा करने का मौका मिला है, गुड गवर्नेंस
इस देश को दिया है और इस प्रकार से एनडीए एक प्रकार से एनडीए कहते ही गुड गवर्नेंस ये अपने आप पर्यायवाची बन जाता है जी। हम लोगों के सभी के कार्यकाल में, चाहे मैं गुजरात में रहा हूं या बाबू हमारे आंध्र में रहे हो या नीतीश जी ने बिहार के लिए भरपूर सेवा की हो, हम सबके अंदर केंद्र बिंदु में गरीब का कल्याण केंद्रस्थ रहा है। और देश ने एनडीए के गरीब कल्याण के गुड गवर्नेंस के 10 साल को देखा है, इतना नहीं है, मैं कह सकता हूं देश ने इसे जिया है। जनता जनार्दन ने सरकार क्या होती है, सरकार क्यों होती है, सरकार किसके लिए होती है, सरकार कैसे काम करती है, इसको पहली बार अनुभव किया है। वरना जनता और सरकारों के बीच में एक खाई की व्यवस्था ही बनी हुई थी, हमने उसको पाट दिया है। हमने सबका प्रयास का मंत्र देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए चरितार्थ करके देखा है। साथियों, एनडीए सरकार में हम अगले 10 साल में, मैं बहुत जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं, अगले 10 साल में गुड गवर्नेंस, विकास, नागरिकों के जीवन में क्वालिटी ऑफ लाइफ, और मेरा व्यक्तिगत रूप से एक बहुत बड़ा ड्रीम है, मैं लोकतंत्र की समृद्धि को जब सोचता हूं तो मैं चाहता हूं कि सामान्य मानवीय के जीवन में से और खास करके मध्यम वर्ग, उच्च मध्यम वर्ग, उनके जीवन में से सरकार की दखल जितनी कम हो उतनी लोकतंत्र की मजबूती है। और आज के टेक्नोलॉजी के युग में बहुत आसानी से हम, वरना एक दिन में 10 काम हो तो 10 अलग अलग वो सारी चीजें मांगेंगे। हम बदलाव चाहते हैं, गुड गवर्नेंस का एक ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू है, लेकिन हम विकास का नया अध्याय लिखेंगे, गुड गवर्नेंस का नया अध्याय लिखेंगे, जनता जनार्दन की भागीदारी का नया अध्याय लिखेंगे और सब मिलकर के विकसित भारत के सपने को साकार करके रहेंगे। साथियों, एनडीए में, और मैं अगर विस्तार से कहूं तो सदन में किसी भी दल का कोई भी जनप्रतिनिधि होगा, मेरे लिए सब बराबर है। जब मैं सबका प्रयास की बात करता हूं तो मैं सदन में भी, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, हमारे लिए सब बराबर है। और यही एक भाव है जिसके कारण
30 साल से एनडीए अलायंस मजबूती के साथ आगे बढ़ा है। अपना पराया कुछ नहीं है, सबको गले लगाने में हमें कभी कोई कमी नहीं रखी है। उसी का परिणाम है कि जनता का विश्वास भी जीत पाते हैं। साथियों, हमने 2024 में जिस टीम भावना से काम किया है और ग्रासरूट लेवल पे किया है, सिर्फ फोटो ऑफ करना, नेता मिलकर के हाथ हिलाएं और फिर तुम तुम्हारे रास्ते में मेरे रास्ते, ऐसा नहीं। ग्रासरूट लेवल तक सबने मिलकर के ये जो काम किया है, और उसी ने हमें ऑर्गेनिक अलायंस का सामर्थ्य दिया है।